हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अक्षय नागर। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल अड्डा फॉर टेक्निकल स्किल्स पर। तो गाइस, यदि आप भी रहना चाहते हो चिल तो सब्सक्राइब करें अभी अड्डा फॉर टेक्निकल स्किल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अपने बजाज वॉलेट का जो पैसा है वो सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ गाइस, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपना बजाज फाइनेंस सर्व वॉलेट का जो पैसा है वो सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो गाइस, उसको कैसे करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए मेरे पर बने रहे और वीडियो को सबसे लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आपका बजाज वॉलेट का पैसा सीधा बैंक में ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले जो बजाज फाइनेंस सर्व एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। तो गाइस, आपको पता होगा बजाज फाइनेंस सर्व एप्लीकेशन की तरफ से यहाँ पर काफ़ी सारे जो ऑफर्स यहाँ पर आते रहते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा जो कैशबैक है यहाँ पर मिल जाता है। तो गाइस, यदि आपको ऑफर रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वो जानकारी आपको हमारे एक और यूट्यूब चैनल है आज 20 अड्डा ऑफर्स के नाम से, तो आपको उस पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। उस यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाके चैनल पर जा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे जो है जुड़ सकते हैं। हम आपको वहां पर काफ़ी सारे ऑफर रिलेटेड जो वीडियो है वहां पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो मस्त से जो हमारा जो सेकंड चैनल जो है यूट्यूब, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, आइए चलते हैं हम अपना जो बजाज वॉलेट का जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर वॉलेट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो आपको वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस, जैसे आप वॉलेट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे वॉलेट में यहाँ पर 614 रुपये जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं और यहाँ पर लिखा आ रहा है सेंड टू बैंक। हाँ गाइस, तो मैं इस पूरे जो पैसा है इसको मैं यहाँ पर सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। और गाइस, यदि आपको यहाँ पर सेंड टू बैंक वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा हो तो आपको गाइस आपको करना क्या है, तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा दूसरा मोबाइल है, तो इसमें हम जैसे यहाँ वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे यहाँ पर वॉलेट में जो है 33 रुपये अमाउंट यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन गाइज़, यहाँ पर मेरे सेंड मनी टू बैंक वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो गाइज़, क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर एक बैनर यहाँ पर शो हो रहा है, एक्सटेंड योर बजाज पे वॉलेट लिमिट कंप्लीट फुल KYC। तो गाइज़, यहाँ पर आपको वो वाला ऑप्शन शो होगा सेंड टू बैंक वाला, जब आप यहाँ पर जो है बजाज में बजाज फाइनेंसर में अपनी KYC कंप्लीट कर लेते हो। KYC कंप्लीट करने के लिए कुछ नहीं होता है, आपके सामने इसका बैनर आएगा। यदि आपकी KYC कंप्लीट नहीं हो रही होगी तो आपको सिंपली बैनर पर क्लिक करना है और बैनर पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको यहाँ पर आपके पास यदि पैन कार्ड है तो सिंपली आप पैन कार्ड डाल सकते हो, पासपोर्ट तो पासपोर्ट डाल सकते हो, वोटर आईडी तो वोटर आईडी, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस तो आप ड्राइविंग लाइसेंस डाल के देन कंप्लीट KYC पर क्लिक कर सकते हो। ऐसे आप कर दोगे तो आपकी जो कंप्लीट KYC है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको कुछ इस प्रकार का जो ऑप्शन है आपके यहाँ पर वॉलेट में शो हो जाएगा, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और गाइस, यदि मान लो आपकी KYC कंप्लीट है फिर भी आपको सेंड टू बैंक वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो गाइस सबसे पहले आपको जो बजाज फाइनेंस सर्व एप्लीकेशन उसको अपडेट कर लेना है। जैसे आप अपडेट कर लोगे फिर दोबारा फिर से वो एक बार KYC मांगता है अपडेट करने के बाद, तो आपको फिर से आपको वहाँ पर KYC कंप्लीट कर लेनी है। जैसे कर लोगे तो आपको यहाँ पर सेंड टू बैंक वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर शो हो जाए। और KYC कंप्लीट कैसे करनी है उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा यदि आप लोग बोलोगे तो यहाँ पर हम फाइनली यहाँ पर जो है सेंड मनी करने वाले हैं वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो सेंड टू बैंक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको सेंड टू बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे सेंड टू बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार जो इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। तो गाइस, फाइनली मैं आपको यहां पर 100 रुपये अमाउंट ट्रांसफर करके बता देता हूं अपने बैंक में। तो आपको यहां पर जितनी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हो अपनी वॉलेट की बैंक में उतनी अमाउंट आपको यहां पर डाल देना है। तो गाइस, मैंने यहां पर 100 रुपये अमाउंट जो है यहां पर डाल दिया है। अमाउंट डाल देने के बाद जिस भी बैंक अकाउंट में आप अपना वॉलेट का पैसा लेना चाहते हो वो बैंक अकाउंट आपको यहां पर ऐड अकाउंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो ऐड अकाउंट पर क्लिक करके आप को यहाँ पर जो डिटेल वगैरह फिल कर देनी है, जैसे एंटर बैंक अकाउंट नंबर, फिर वापस से आपको दोबारा अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है और आप जो भी अकाउंट होल्डर नेम है वो होल्डर नेम डाल के आपको देन प्रोसीड कर देना है। तो गाइस, मेरे यहाँ पर फाइनली जो है अकाउंट मेरे यहाँ पर पहले से ही ऐड है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। सिंपली मैं अपना जो वॉलेट का जो पैसा है इस वाले बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो ट्रांसफर करने के लिए वो करना क्या है, सिंपली यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो, तो आप एक कह रहा है प्लीज सेलेक्ट अ बैंक अकाउंट, तो मैंने ये वाला एक बैंक अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको देन प्रोसीड करना है। ऐसा प्रोसीड करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा 100 रुपये यहाँ पर ट्रांसफर होने वाला है और गाइस जो चार्ज है वो यहाँ पर 3% लगता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो चार्ज 3% 3 रुपये, यानी कि जैसे मैं 100 रुपये वॉलेट से ट्रांसफर करूँगा तो मेरा वॉलेट से यहाँ पर 103 रुपये जो है यहाँ पर करने वाला है, यानी कि 100 रुपये पर यहाँ पर 3 रुपये जो चार्ज यहाँ पर लगता है, यानी कि 3% जितना आप वॉलेट का पैसा अपने बैंक अकाउंट में
ट्रांसफर करोगे उसका 3% आपका यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3 रुपये चार्ज मेरा लग रहा है। चार्ज लगने के बाद आपसे मेरा ट्रांसफर टू बैंक वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको ट्रांसफर टू बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप ट्रांसफर टू बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो 100 रुपये जो अमाउंट है वो सीधा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो अमाउंट टू बी सेंट, मेरे को यहाँ पर ऊपर मैसेज भी आ चुका है 100 रुपये का, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो किस प्रकार से गैस जो मेरा 100 रुपये जो है वो सीधा मेरे वॉलेट में ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन मेरे गैस बजाज वॉलेट से जो है यहाँ पर 103 रुपये कटे हैं, क्योंकि 3 रुपये जो चार्ज है वो मेरा यहाँ पर ट्रांसफर करने पर लगा है। तो किस प्रकार से गैस आपका भी यहाँ पर जो चार्ज है यहाँ पर लग जाएगा 3%, और आपका जो वॉलेट का जो पैसा है सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर 511 रुपये ही रह चुके हैं, पहले मेरे 614 रुपये थे, उसमें से मेरे 103 रुपये कट के यहाँ पर जो 511 जो अमाउंट है वो यहाँ पर रह चुका है, और जो मेरा 100 रुपये का जो अमाउंट है वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। और यदि गाइज आप नहीं चाहते हो कि आप चार्ज लगा के जो पैसा है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पर पे वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आप सिंपली अपना वॉलेट का जो पैसा है किसी अदर पर्सन को भी आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप पेपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस अब आपको यहाँ पर जिसको भी पैसा ट्रांसफर करना है आपको उसको यहाँ पर सीधा आपको उसका जो है मोबाइल नंबर डाल देना है। बस उसका यहाँ पर गाइस क्या होना चाहिए, जो बजाज फाइनेंसर है उसमें उसको यहाँ पर अकाउंट होना चाहिए और उसकी KYC कंप्लीट होनी चाहिए, तभी उसको आप यहाँ पर जो है वॉलेट का पैसा उसके वॉलेट में आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से गाइस ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मैं मान लो इसको यहाँ पर ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो गाइस जैसे क्लिक करोगे उसमें लोग अमाउंट डालने के लिए आएगा, तो आपको सिंपली अमाउंट डाल के देन आपको जितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है उतनी अमाउंट डाल देनी है। डाल देने के बाद सिंपली आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। गैस यहाँ पर कोई चार्ज वगैरह नहीं लगने वाला है। तो यदि आप किसी अदर पर्सन को आप यहाँ पर उसके वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो अपना बजाज फाइनेंस वॉलेट का, तो यहाँ पर कर सकते हो बिना किसी चार्जेस के। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार 100 रुपये मैंने डाल दिया है, देन मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो 100 रुपये सक्सेसफुली जो है ट्रांसफर हो चुका है उस सामने वाले के वॉलेट में। तो किस प्रकार से गैस आपका भी जो पैसा है उसके सामने वाले वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा बिना किसी चार्जेस के। वो याद यदि आप चाहो तो उसके वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करके उससे कैश यहाँ पर ले सकते हो, या किसी भी पेमेंट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो गैस इस प्रकार से आप जो है आप बजाज वॉलेट का जो पैसा है सीधे 2 ट्रिक्स के माध्यम से यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। तो गैस इस प्रकार से आप अपना बजाज वॉलेट का जो पैसा है सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि गाइस सभी तक ये इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर पहुंच सके। तो गाइस हम मिलते रहेंगे इसी प्रकार की हेल्पफुल रिलेटेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।